फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का जो वीडियो है ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं करूं कि नहीं करूं। रिक्वेस्ट तो काफी आई है इसलिए कर रही हूं, पर दिल मेरा दुख 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 कर रहा है। पता नहीं अब ये वीडियो में क्या होना है। तो वीडियो का टाइटल है मौका मौका, इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर द मैच एपिसोड 3, इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड, जो कि आज होने वाला है। मेरे ख्याल से जब हम वीडियो लगाएंगे उसी दिन होने वाला है ये, तो तब आपकी मेरे ख्याल से नेक्स्ट दिन हो तो गया। ऐड है मौका मौका वालों की। तो देखते हैं, दिल थाम के बैठेंगे और ऑल द बेस्ट विश करेंगे। चलिए देखते हैं क्या करते हैं मौका अपने मौका इंडिया को। भैया, मेरे को लग रहा था मौका मौका का सारा खत्म हो गया काम, मगर उनकी एक बार आगे तो देखनी पड़ेगी। हम नहीं रुकेंगे भैया, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मौसी को पोता हुआ है। झूठ बोल रहा है। सुनना। क्या? 10,000 जीता। मतलब? विंजो पे वर्ल्ड बॉल खेल रहा था। मैं हार गया, मगर मेरी टीम ने संभाल लिया और मैं पैसा जीत गया। अखरक, मरवाएगा क्या? डिनर का खर्चा निकल गया ना। इंडिया को सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए। क्या बोल दिया यार, ये तो दिखा रहे हैं। अगर तुम मुझसे कभी नाराज हो गए तो मुझसे प्यार करना छोड़ दोगे? नहीं। तो हम इंडिया को सपोर्ट करना कैसे छोड़ दें? पर आप तो मेरे डैड हो और वो हमारा इंडिया है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमें उसे सपोर्ट करते रहना चाहिए। लेकिन मैं इंडिया को हारते नहीं देख सकता। हारता वो है जो लड़ना छोड़ दे। इंडिया लड़ेगा और तुम हारोगे अगर तुम चीयर करना छोड़ दोगे। वेरी नाइस। सॉरी डैड। पाकिस्तान है ना, मारूंगी पकड़ के। आ गया, कुछ अच्छा बोल रहा यार। मजाक उड़ाएगा। आंसू आ गए। मजाक उड़ाएगा। बेटा, पापा की बातों को इतना सीरियसली मत लेना। ये वही पापा है जो हमेशा बोलते हैं कि सांता क्लॉज सच में होता है। जिंगल बेल, जिंगल बेल। क्यों बच्चे को झूठा सपना दिखा रहे हो? यार छोड़ो, सिर्फ 3 बदला लेने आए हो यहाँ पे। पहले आप, दूसरा न्यूजीलैंड, और तीसरा अगर सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड आ जाए तो मजा आ जाए। और फाइनल्स क्या? क्या फाइनल्स? फाइनल्स में कौन चाहिए? चलेगा, कोई भी आए ऐसे। बोलना, आएगा? आने दो, देख लेंगे, खेल लेंगे। बाप कभी हारता नहीं, बाप कम बैक करता है। अंकल बोल दिया बे। उम्र पिघली मामसी मेरी, ऐसी भी क्या जिद है तेरी, करा दी अब दी दारे मौका मौका।
बताऊं, उदास कर दिया था शुरू शुरू में। मैंने कहा यार अभी दुख खत्म भी नहीं हुआ, फिर से उसको कहते हैं ना वो अभी जो जैसे कहते हैं चोट जब लग जाती है तो वो अभी पूरी हील नहीं हुई होती, उसको फिर अगर आप उस टाइम छील दो तो वो फिर से निकल आती है। वही फील हो रहा था मुझे, वही दर्द फिर से फील होने लग गया था। पर उसके बाद उन्होंने जिस तरह से ट्विस्ट करके दिखाया कि भैया, जैसे दिखाया कि वो बच्चा कह रहा है कि भैया इंडिया को तो सपोर्ट ही नहीं, ये क्या कह दिया यार, चाहे इंडिया हारे जीते सपोर्ट तो हमेशा इंडिया को ही करेंगे, इंडियंस हमेशा इंडिया को सपोर्ट करेंगे, चाहे कुछ हो। बुरा भी फील होगा तो बोलेंगे उस टीम को कि नहीं अच्छा करो, पर सपोर्ट प्यार अपनी टीम को ही देना है भैया, और हमेशा यही होप करनी है कि भैया इंडिया ही जीते। और वही फिर उन्होंने दिखाया, समझाया कि भैया जैसे आपके फादर हैं तो अगर कुछ हो जाए, आप एंग्री हो जाओ तो क्या अपने फादर से बात करना बंद कर दोगे, बोलना बंद कर दोगे, अपने पापा को बात ही नहीं करोगे? तो वो कहते हैं नहीं, तो वैसे ही अपनी कंट्री को कैसे नहीं तुम कर सकते। तो बहुत अच्छा दिखाया आज की सिचुएशन में कि होप नहीं गिव अप करनी, कंट्री के साथ रहना है। और जैसे वो कह रहे थे ना भैया कम बैक करेंगे, और पहले जब उन्होंने कहा ना कि भैया अभी मैंने अच्छा पाकिस्तान ने खेला तो अच्छा है, इंडिया को हराया, फिर नेक्स्ट मैच में भी जीत गए, अब कह रहे थे कि भाई नेक्स्ट बस एक इंग्लैंड मिल जाए, तो उसके बाद कह रहे फाइनल में तो वो अच्छा था, तब नहीं बोल रहे कि भैया फाइनल में चाहिए कि नहीं। नहीं। तो स्किट है, स्किट है, मतलब बनाने का। सभी कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छी जो है एक्टिंग, सबकी अच्छी है, एक एक एक्टिंग देख के अगर आप में इमोशन जनरेट सच्ची हो रहे में होता है तो इनको मेडल देना चाहिए दोनों को कि इन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, कि आपको वाकई एक तरफ से गुस्सा आने लग जाता है और एक तरफ इंडिया से प्यार आने, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक्टिंग इतनी अच्छी की है कि आप में इमोशन आ रहे हैं। रियली गुड एक्टिंग दोनों की, और जो भी है थोड़ी ये थोड़ी ज्यादा इंटेंस होती है कि बाद में इंडिया आ जाएगा तो अभी देख, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और बात तो ऑब्वियस है कि इंडियन जो है वो इंडिया को ही सपोर्ट करेगा, इसमें तो क्वेश्चन की बात ही नहीं है। एक बार हार गए तो कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करिए और अच्छा खेलिए, देखिए प्रॉब्लम क्या थी लास्ट फर्स्ट बॉल में, उसको ओवरकम करिए। और इंडिया तो जीतने का चांस तो ज्यादा है ही, एक गेम से हारने से कुछ भी नहीं होता, मगर जो भी आगे देखें क्या होता है, जो जो कंट्री इतना खेल रही है, इंडिया इतना जबरदस्त खेलती है, तो मेरे ख्याल से तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। उस वक्त उनको देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या थी, मगर अब देखते हैं। मगर मेरे को लग रहा था मौका मौका का पूरा ठप हो जाएगा काम, मगर उन्होंने मेरे ख्याल से अपना स्ट्रेटजी बना रखी है, चाहे कोई आउटकम हो उनकी स्किट रेडी, वेरी नाइस, ऐसे होना चाहिए। ये बहुत अच्छा किया है कि कोई भी आउटकम हो उनकी स्किट रेडी है, और वो सही बता रहे कि आप तो इंडियन, आप तो इंडिया को सपोर्ट करेंगे, एंड ऑफ स्टोरी। सो ना सपोर्ट करने का मतलब नहीं बनता, आप इंडियन है, एंड ऑफ स्टोरी, आप अपनी टीम को सपोर्ट करिए। और अगर आपको वाकई लगता है कि वाकई अच्छी नहीं खेल रही, तो बच्चे को बोलो तू भी खेलने लग जा भाई, प्रैक्टिस करो, अपने हाथ में उठा लो, तुम भी क्रिकेटर बन जाओ, जिसको क्रिकेटर बनना बन जाओ, फिर तुम संभालो। तो जो भी अगर ज्यादा ऐसा कुछ बोलते हैं तो उनको बोले खुद किसने रोका है तुम्हें, तुम अब खुद चले जाओ, बन जाओ, मतलब मेहनत करोगे तो कुछ बन सकते हो। बिल्कुल, तो काफी वेरी नाइस एड, बहुत अच्छा था, प्यारा लगा एड था, और करेक्ट टाइम पे हमने देखा है। तो भैया ऑल द बेस्ट टू आर इंडिया टीम, करके दिखा दे, मजा आ जाएगा यार, पिछली वाली हार का सब खत्म कर दे, मजा आ जाएगा जो दुख मिला था। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।